गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है हम सेवन क्लास में क्या करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है हम 30 जुलाई को क्लास सेवन मेन सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक आज का रहेगा हमारा लेसन 5। कौन सा लेसन 5? और लेसन 5 जो है आपने कौन सा पढ़ा था अपनी बसंत में? मैंने आपको पाठ का सार बताया था, आपको पता होगा बेटा, मिठाई वाला। कौन सा लेसन? मिठाई वाला। लेसन 5 है मिठाई वाला। हमने इसकी रीडिंग, मैंने पाठ का सार बताया था, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम मिठाई वाला लेसन की रीडिंग करेंगे, ओके। तो आज जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले चरण में मिठाई वाला क्या बेचता है, दूसरे में क्या बेचता है, मिठाई वाला कैसा है, ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी। तो अपना लेसन निकालिएगा मिठाई वाला, ठीक है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने इसका सार कराया था आपको, पाठ की पूरी जानकारी दी थी। तो इसमें जो है बेटा, हमने रीडिंग कर ली थी आपकी, यानी कि 3 चरण हो चुके थे इसमें, 3 चरण जो है इसमें मिठाई वाले के हो चुके थे। तीसरे चरण में क्या था कि जो है अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी, तीसरे चरण को हम स्टार्टिंग से लेते हैं, सभी बच्चे निकालें पेज नंबर 26 मिठाई वाला, और 3rd चरण निकालने के रीडिंग के लिए इसमें। तो आज जो है हमने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही है। क्या करती रही है रोहिणी जो है, वो मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही है। और जो है आज उसने अनुभव किया, क्या अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। कि जो है रोहिणी अपने मन ही मन ये सोचती गई कि इतनी अच्छी मीठी बात करने वाला बच्चों के साथ फेरी वाला जो है बेटा आज तक नहीं आया। तो रोहिणी मन में ये सोच रही थी। तो जो है वह फिर सोचा भी कैसा सस्ता बेचता है, यानी कि जो अपना सामान है वो भी कितना सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है, यानी कि अच्छा आदमी, भला आदमी यानी कि अच्छा, भला अच्छा आदमी जान पड़ता है, ये दिखाई देता है, कोई अच्छा आदमी ये दिखाई देता है। समय की बात है कि बेचारा इस तरह जो है मारा मारा फिर रहा है, कोई इसके साथ ऐसा समय रहा होगा, कुछ ऐसा समय खराब रहा होगा जिस तरीके से ये बेचारा मारा मारा फिर रहा है। पेट जो ने कराए सो थोड़ा, यानी कि पेट जो है खाने के लिए कराए वो भी थोड़ा है। इसी समय जो है मुरली वाले का क्षीण शवर, इसी समय मुरली वाले का जो है क्षीण, यानी कि बड़ा ही नॉर्मल, यानी कि प्यारा मधुर स्वर जो है दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ता है, यानी कि जैसे वो एक गली में आवाज़ लगाता है उसकी आवाज़ जो है दूसरी गली में सुनाई पड़ती है। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। अब दूसरे तीसरे चरण में उसने क्या बेचा था बेटा? मुरली। और पहले चरण में आपको याद होगा मिठाई वाला जो लहसुन है इसमें क्या बेचा था उसने? खिलौने बेचे थे। तो भगवती चरण प्रसाद वाजपेयी जी जी जो हैं, यानी कि इसके लेखक, उन्होंने मिठाई वाले के अनेक जो है पहलुओं का वर्णन किया है। पहले पहलू में खिलौने बेचे और दूसरे में जो है इसमें मिठाई, यानी कि दूसरे पहलू में उसने क्या बेचा? मुरली। मुरली बेची है। बहुत दिनों तक जो है रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और जो है उसकी जो है बच्चों के प्रति वे सनेह सिक्त बातें जो है याद आती रही कि इतना
इतना प्यारा बोलता है, बच्चों से इतना मधुर बोलता है और बच्चों को जो है इतना खुश रखता है और इतनी सस्ती जो है खिलौने मोलियाँ देकर चला जाता है। महीने के महीने आए चले गए यानी कि फिर मुरली वाला नहीं आया, यानी कि जो मुरली वाला है वो फिर नहीं आया। पहले कितने दिन बाद आया था मुरली वाला? 6 महीने के बाद। पहले जब मुरली वाला खिलौने बेच कर गया तो बेटा कितने दिनों में आया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसमें आपको तो 6 महीने के बाद आया। और पहले क्या बेचने आया था? खिलौने बेचने, घोड़ा तोता मैना ये सब खिलौने बेचने आया था। उसके बाद क्या बेचने आया? मुरली बेचने आया, जिसकी इतनी मधुर आवाज़, जिसकी जो है इतनी मधुर से वो मुरली बजाता था, उसके जो है बच्चों का मन मोह लिया था मुरली बजाने वाले का। और लोग यहाँ तक का कहते थे कि मुरली बजाने वाला तो बस एक ही उस्ताद है। तो इस तरीके से उसने दूसरे चरण में यानी कि मुरली बेची। बहुत दिन तक रोहिणी को मुरली वाले का जो है वह मीठा स्वर और उसकी उसकी जो है बच्चों के प्रति सिक्त यानी कि बातें याद आती रही। किसके? रोहिणी के, बड़ों के, वहाँ पर जो उस गांव में लोग रहते थे उनके। तो महीने के महीने आए चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया, यानी कि 1 महीने के बाद दूसरा महीना, दूसरे तीसरा, ऐसे 3-4 महीने ऐसे लगातार दिन पे दिन जो है महीना बीतता गया। और जो है रोहिणी और जो है उसके पति, रोहिणी के पति जो हैं उसके मन से उसकी स्मृति छीण हो गई यानी कि नष्ट होती चली गई, भूल गए जैसे। छीण यानी कि नष्ट होना, भूलते चले गए जैसे, भूल गए। काफ़ी दिन हो गए उस आदमी को आए तो उसकी स्मृति मन पटल पर नहीं रही अंकित। फिर जो है चौथे चरण में क्या है, 8 महीने हो जाते हैं मुरली वाले को बेटा। चौथे चरण में जो है मुरली वाले को 8 माह हो जाते हैं। सर्दी के दिन थे। कौन से दिन थे? सर्दी के दिन। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर जो है आजनुवित जो है केश राशि सुखा रही थी, यानी कि अपने जो धोए हुए बाल हैं उनको सुखा रही थी। कौन? रोहिणी। कहाँ पर? छत पर। तो उस समय नीचे की गली से जो है सुनाई पड़ा कुछ, उसको जो है कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, क्या आवाज़ सुनाई पड़ी उसको? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, ये आवाज़ सुनाई पड़ी। तो मिठाई वाले का जो स्वर है उसके लिए परिचित था, यानी कि जाना पहचाना था। उस आवाज़ से जो थी रोहिणी परिचित थी पहले ही, उसकी आवाज़ को पहले अच्छी तरह जान चुकी थी वो। झट से रोहिणी नीचे उतर आई और उस समय उसके पति मकान में नहीं थी, यानी कि जो है रोहिणी के पति उस समय बेटा मकान में नहीं थे, उनकी वृद्धा दादी थी। क्या थी? उनकी जो है बूढ़ी वृद्ध यानी कि बूढ़ी हो चुकी थी उनकी दादी सास माँ थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, किसके? दादी माँ के जो है निकट आके बोली, क्या बोली? चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। क्या बोली दादी को रोहिणी? चुन्नू मुन्नू के लिए जो है मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, उन्होंने कहा। किसने कहा? मिठाई वाले ने कहा, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की रोक में बैठी रहूंगी।
गांव में जैसे बेटा आपको पता है लेडीजें जो हैं वो पर्दा करती हैं, तो उनको ये शर्म होती है कि कोई बाहर से आदमी ना आ जाए। मैं बाहर कैसे बैठूंगी, मैं बाहर कैसे देखूंगी ये कैसी मिठाई ले रहा है या नहीं। रोहिणी कहती है ये बात है कि जो है मैं इसको यहाँ पर जो है कमरे में बैठा देती हूँ और मैं भी जो है चिक्की ओट में बैठी रहूँगी या खड़ी रहूँगी जैसे आप देख रहे हो उस पिक्चर में। तो चिक के सामने पीछे से जो है रोहिणी देख रही है मिठाई वाले कैसी मिठाई ले रहा है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। कौन बोली? दादी। कमरे में जाकर यानी कि कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। कौन आ गया? मिठाई वाला जो है निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? अम्मा या माँ जो भी कहना चाहे वो, कि जो है मैं कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरह की जो है मिठाइयाँ हैं रंग बिरंगी। ये जो मिठाई है मेरे पास ये रंग बिरंगी है, नई तरीके की है रंग बिरंगी। कुछ कुछ खट्टी है, कुछ कुछ मीठी है। जायकेदार बड़ी देर तक जो है मुँह में टिकती है यानी कि जल्दी पिघलती नहीं है मुँह में, जल्दी नहीं घुलती है यानी कि। बच्चे बड़े चाव से जो है बड़े चाव यानी कि खुश होकर मन से चाह से चूसते रहते हैं ना टॉफियों की तरह। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है अम्मा। ये मिठाई वाला जो है अपनी मिठाई की खासियत बता रहा है, अपने मिठाई के गुण बता रहा है, कैसी कैसी जो है मिठाइयाँ हैं। चपटी हैं, गोल हैं, पहरदार हैं, गोलियाँ हैं, पैसे की सोलह देता हूँ। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि एक पैसे की मैं 16 मिठाई देता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये मिठाई वाला कहता है बेटा। तो दादी बोली, क्या बोली मिठाई वाले से? 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दो। 16 तो एक पैसे में जो है बहुत कम होती है, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ ना यह अब मैं तुम्हें क्या। खैर यानी कि मिठाई वाला ये कहना चाहता था कि मैं आपको क्या बताऊँ, चलो कोई बात नहीं, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा, क्योंकि बेटा आपको पता है पहले वो खिलौने बेचता था, वो कीमत ही वसूल नहीं करता था, अपनी मेहनताना भी नहीं लेता था। और जैसे उसने मुरली बेची थी 2-2 पैसे की, मुरली का भी वो पूरा अपना मेहनताना नहीं लेता था, क्योंकि उसने हजारों में बनाई थी मुरली, जब उसे 2 पैसे की पड़ी थी एक मुरली, और वो 2 पैसे के ही बच्चों को दे के चले गया था। तो इस प्रकार जो है मुरली वाले का, खिलौने वाले का, मिठाई वाले का यानी कि मेहनताना भी उसको नहीं मिल पाता, वो इतनी सस्ती देता है बच्चों को, अधिक न दे सकूंगा। तो ये बात उसने किससे कही? दादी से। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर काफी सस्ता दे रहा है। रोहिणी ने कहा, दादी फिर भी जो है ये काफी सस्ता ही दे रहा है, यानी कि ये काफी सस्ती ही मिठाई दे रहा है आपको, 4 पैसे की ले लो। ये है पैसे रहे। रोहिणी ने जो है दादी को पैसे दे दिए। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। मिठाई वाला जो है 1 पैसे की 16 थी, तो 4 पैसे की गिने ना नहीं गिने का हो। तो इस प्रकार जो है मिठाई वाला मिठाई को गिनने लगा। तो 4 की दे दो, किसने कहा? रोहिणी ने, उसकी दादी। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। और
वाले। हाँ मैं भूली हुई, मूल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं है। यानी कि रोहिणी की सास दादी कहती है कि बेशक मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे मूल भाव करना बेशक नहीं आए। कोई बात नहीं, सोलानी तो बीज तो दे दो। मिठाई वाला मिठाई अभी देने लगा था इस थोड़ी के दिन तो करते हुए दादी ने जो है मुँह को फोड़ना, यानी कि मुँह को जो है पकोले, उनमें जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली किसके दादी के मुँह से। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम ही है इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो। रोहिणी ने किसको कहा? ये दादी को कहा। दादी को क्या कहा? कि इससे जो है मिठाई वाले से ये पूछो कि इस शहर में आप पहली बार आए हो या पहले भी यहाँ पर आए थे। यहाँ के निवासी तो तुम जो है नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की और जो है मिठाई वाले ने उससे जो है उत्तर दिया। क्या दिया? पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ मैं। रोहिणी की दादी को जो है मिठाई वाले ने क्या उत्तर दिया? कि पहली बार नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ जो थी, चिक की आड़ यानी के चिक के पीछे से बोली। क्या बोली? पहले यही मिठाई बेचते हुए आए और या कोई चीज लेकर। यानी कि रोहिणी पीछे चिक से मिठाई वाले से पूछना चाहते कि पहले भी आप मिठाई ही बेचते थे या कोई और चीज बेचते थे। मिठाई वाला खुश हो गया और संशय और जो है विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर आया था। किसने बताया? मिठाई वाले ने, क्योंकि रोहिणी उसको जानना चाहती थी बेटा कि पहले भी आप मिठाई लेकर ही आए थे या जो है कि पहली बार मिठाई लेकर आए हो। तो ये बात पूछने पर जो है मिठाई वाला खुश हो गया और संशय में विस्मयादी भाव से डूबकर बोला कि जो है पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे पहले जो है मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो है उससे और भी कुछ पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? जो ये व्यवसाय करते हो, पहले खिलौने बेचते थे, अब जो है उसके बाद आपने मुरली को बेचा, अब मिठाई बेच रहे हो और जो है आप इतने सस्ते दामों में देकर बच्चे को चले जाते थे, तो इनसे जो है आपको क्या बचता होगा? तो ये सब उन्हें जानना चाहती थी। कौन? रोहिणी उनसे जानना चाहती थी। वह बोला, मिलता भला क्या है? किसने कहा ये? मिठाई वाले ने। कि मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, यानी कि वही दाल रोटी मिल जाती है। कभी नहीं भी मिलता है, कभी जो है मुझे कुछ भी नहीं बचता, यानी कि कुछ भी नहीं मिलता है। पर हाँ, क्या इसमें आदि बोल? पर हाँ, संतोष। ये किसने कहा? इसमें आदि बोधक चिन्ह लगेगा बेटा यहाँ पर। पर हाँ, यानी कि हाँ, मुझे एक संतोष, धीरज और कभी कभी जो है असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ कि जो है मुरली वाला यानी कि मिठाई वाला रोहिणी से क्या कहता है, मुझे जो है परम संतोष मिलता है। हाँ मिलता है, पर हाँ मिलता है, पर हाँ क्या? संतोष, धीरज। अब वही जो है मैं पाना चाहता हूँ। सो कैसे? किसने कहा? रोहिणी ने कहा। ये कैसे?
वह भी बताओ। अब जो है व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? किसने यानी कि मुरली वाले ने सोचा कि व्यर्थ की उन बातों की अब मैं क्यों चर्चा करूं? तो इस तरीके से उन्हें आप जाने ही दें, यानी कि उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। ये जो है खिलौने वाले ने, मुरली वाले ने, मिठाई वाले ने जो है रोहिणी और दादी को कहा कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं, खैर उन बातों को जो है आपको सुनकर दुख होगा। कौन सी बातें? क्योंकि बेटा एक मिठाई वाला जो था वो एक धनी परिवार से था, सुदृढ़ परिवार से था, उसका भी अपना एक परिवार था और जो है वो व्यापार के संबंध में कहीं बाहर चला गया था। तो जैसे ही वो वहाँ से लौटा था तो उसका परिवार यानी कि ख़त्म हो गया था, नष्ट हो गया था एक तरीके से, किसी आपत्ति में, किसी आपदा में कोई कारण हो गया था कि उसका परिवार उसको वापस नहीं मिला था। तो ये बातें थी उसके मुरली वाले के अंदर। तो ये बातें जो है वो उनको कहना नहीं चाहता था और क्या कहता था कि उन बातों को सुनकर आपको भी दुख होगा, रहने दीजिएगा। जब इतना बताया है, किसने कहा? रोहिणी ने और दादी ने। जब आपने इतना बता दिया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, यानी कि मेरे को जो है आपकी जिज्ञासा है जानने की कि आप जो है कहाँ तक, क्या आपका ये दुख दर्द है जो कि आप ये भिन्न भिन्न चीज़ बच्चों को इतने सस्ते दामों में देकर चले जाते हो। तो मैं जानने के लिए जो हूँ उत्सुक हूँ। ये किसने कहा? रोहिणी ने कहा। किसने कहा? ये रोहिणी ने कहा। तब और भी बता दो, यानी कि मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्ज नहीं होगा, यानी कि तुम्हारा हर्ज क्या होगा, तुम्हारा क्या जाएगा? मिठाई मैं और भी ले लूँगी। इसने कहा, ये रोहिणी ने कहा कि जो है मिठाई मैं और भी ले लूँगी। आप मेरे को बात बता दीजिए कि आपका जो है रोहिणी का कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे आप यहाँ हमें बैठकर बातें बताओगे आपका समय नष्ट होगा, आपकी मिठाई नहीं बिकेगी। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था रोहिणी का कि जो है मिठाई मैं आपकी और भी खरीद लूँगी, आप जो है मुझे अपनी बातें बताइए। तो आज हम यानी कि 28 पेज तक रीडिंग की है। तो सभी बच्चे जो हैं इसको एक बार बेटा अपने आप ऐसे ही रीडिंग करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे किसने क्या कहा, क्यों कहा है, इसलिए हैं। तो आपको ये सारी आपको जानकारी होनी चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए ना कि किसने क्या कहा, क्यों कहा, मिठाई वाला क्यों बेचता था, वो क्यों परेशान था, वो भिन्न भिन्न रंग की जो है मिठाई क्यों बेचता था, क्योंकि वो जो है बेटा भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाई इसलिए बेचता था क्योंकि रंग बिरंगे कलर देखकर जो है बच्चे खुश हो जाते थे हैं, और खट्टी मीठी उनको जो है एक तरीके से जो आज के टाइम में टॉफियाँ मिलती इस तरीके की मिठाइयाँ होती होगी, है ना, मेरा सोचने का जो है खट्टी मीठी और जो है मुँह में देर तक टिकने वाली पिघलने ना वाली तो ऐसी मिठाई होगी टॉफियाँ जैसे। तो उस समय में कहने का तात्पर्य है कि उस समय में भी जो है आज की जैसी ट्रॉफियाँ बच्चों को बहलाने वाली होती हैं, देने वाली होती हैं, तो ऐसी रही होगी उस समय की बच्चों की मिठाइयाँ। तो आज का जो है बेटा यहाँ तक ही करिएगा। 20 जुलाई क्लास 7 में सब्जेक्ट हिंदी लेसन 5 जो है मिठाई वाला, तो इसकी रीडिंग करिएगा। आज के लिए इतना ही।